मैं तो एक बात बता दे, मैं अभी आपको सबको ऑब्जर्व कर रहा था प्रार्थना बोलते समय, जब भी कोई प्रार्थना बोलते हैं आप के ऊपर कर लेते हैं, उसका रीजन क्या है? हो जाते ध्यान में, हो जाते आपके बैठ किस में खो जाएगा? भगवान में, भगवान में खो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे कई बार देखा है और अनुभव भी लिया है कि आपको भी अनुभव है, हम सब लोग रात को सोते और नींद में जो भी सपने आते वो कभी सच नहीं होते, होते है क्या? नहीं। हाँ, तो वैसे ये दिन में प्रार्थना बोलते बोलते सोना है और उसमें वो सच नहीं होता, ऐसे बोला जाता है। जो भी हम प्रार्थना बोल रहे हैं ना, वो आंख बंद करके कर रहे, सपने कभी आते है? रात का देखा हुआ सपना सवेरे सच होता है क्या? तो दिन में भी अगर आंख बंद करके प्रार्थना बोले तो सच होगी क्या? कॉन्सेंट्रेशन है तो आंखें खुली करके कर सकते हैं ना, आंखें खुली रख के भी कर सकते हो ना। अभी तुम सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना बोल रहे थे और मैं आंख खोल के सबको ऑब्जर्व कर रहा था और प्रार्थना बोल रहा था। देवा, देवा कौन थे मेरे सामने? कौन थे देवा? आप सभी लोग मेरे लिए देवा थे। जी परिस्थिति भी बदल सकत नहीं, हम में से कई लोग हैं जिनको मैं बदल नहीं सकता, स्वीकारने की मन की इच्छा क्या है? मनाची प्रसन्नता दे, है ना? मी प्रसन्नता मांगतो, मनाची प्रसन्नता दे। काही जण बदलू शकत नाही, वारंवार येतात। मी जरी कितीही घरात ताडून बोललो की मत पियो मत पियो मत पियो, ते पियो पी के आई जाते देवा। जी परिस्थिती मी बदलू शकत नाही, है ना? और मेरे ख्याल से वो भगवान भी सुनता होगा। हाँ, ये आप खोल के बोल रहा है ना, सही बात है। आप खोल के किए गए काम हमेशा ऐसे प्रैक्टिकल रहते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज है आप खोल के करना, सच है कि नहीं? आप बंद कर करना प्रैक्टिकल है क्या? क्या है? ड्रीम, सपना, सपना है। और सपना कभी आप खुले रख के सपना देखना वो सच होता है, आप खुले रख के सपना देखना वो सच होता है। कोई भी आदमी, आप कितने भी बड़े बड़े काम ले लो, है ना, कोई भी जिंदगी में अगर तरक्की कर रहा हो, आप खुले रख के सपना देखता है और उसको पूरा करता है। रात के सपनों में तो राजा बन जाते हैं हम लोग, जब उठते वो घोड़ा भी भाग जाता है वो राजगद्दी भी नहीं रहती ना, रानी है उसको हवा देती है, कोई नहीं रहता। सवेरे उठने के बाद ऐसा महसूस होता है, अरे यार मैं तो साला सपने में था। लेकिन आंख खुली रख के जो सपना देखता है वो पूरा करता है, उसकी जिद उसके अंदर तैयार हो जाती है, उसकी मेहनत से वो लगन से वो सब कुछ पा लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुम प्रार्थना भी करो ना तो आप खुले करके करो, खुले रख के करो। वो देखो भगवान ने हमको इतना बड़ा शरीर दिया है, खाली इतनी इतनी सी आंखें दी है और इतनी सी आंखें में से सब कुछ होता है ना? ये हाथ देख सकता है क्या? नहीं, उसको डायरेक्शन देने का काम हमारी आंखें करती है। खाना खाते समय तुम्हारे खाने में भी कुछ गिर गया, उसको भी देखने का काम आंखें करते, हाथ जाके डायरेक्टली निकालेगा नहीं कि यार तेरा काम नहीं है यहाँ पे, चल तो बाजू हो जा। आंख बताती है, हर कोई चीज आंख बताती है आपको। और वही आंख अगर प्रभु को पुकारते समय तुमने बंद कर ली तो प्रभु क्या बोलेगा? तुम कोई भी मंदिर चले जाओ, कोई भी मस्जिद चले जाओ, कोई भी गुरुद्वारे चले जाओ, कहां पे भी चले जाओ, अगर आंख बंद करके तुम पुकार रहे हो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, अंडर टेबल मालूम है ना आपको? अंडर टेबल कोई भी बुरा काम करना है तो अंडर टेबल किया जाता है, क्यों? दुनिया की नजरों से बचाने के लिए। तो तुम प्रार्थना भी कर रहे हो ना तो अंडर टेबल कर रहे हो यार, कभी मिलेगा नहीं। किससे बचने के लिए कर रहे हो? हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी हिम्मत है, अगर तुम सच्चे हो तो आप खुले रख के भगवान की आंखों में देखो ना और प्रार्थना करो।
क्या दिक्कत है? मन का कॉन्सेंट्रेशन अगर करना है तो वो आंखों से जुड़ा हुआ है मन। मन में कोई भी बात अगर डालनी है तो आंखों के बिना जा ही नहीं सकती। तुम्हें कोई भी सीखना है, नई चीज सीखना है, या परिवार के किसी कुटुंब को आप देख रहे हो, उनका एकदम से सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और तुम आंख बंद करके भगवान को बोलेगा मेरा भी अच्छा चलने दे। तुम्हारी आंखें ही बंद है पहले से। जब आंख खुलेगी तभी तो तुम डिमांड कर सकते हो ना, तभी वो चीज आ सकती है, वरना वो क्या आएगा? ये मेरा मन है, मैं कंपल्सरी नहीं कर रहा हूं आपसे, नहीं सच बात, जो है बता रहा हूं, जो है बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किस इंसान पे किया जाता है? जो आंखें छुपा के आपके सामने प्रेजेंट करता है उसके ऊपर, क्या जो आंखें आपके दिमाग के ऊपर रखता है उसके ऊपर? आंखें मिलाने वाले से। तो तुम भगवान को प्रार्थना कर रहे हो यार, तुम चोरों छक्कों के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम बुरी बला के सामने नहीं प्रार्थना कर रहे हो कि तुम्हारी आंखें नम हो जाए, नीचे कर दे, झुका दे। नहीं नहीं, भगवान के सामने कभी भी प्रार्थना करना है तो आंखें खुली होनी चाहिए, तब जाके वो सही होगा। वरना सरक कितने दिनों से देख रहे हैं लोग, पब्लिक अपने जैसे कितने जनमन कितने आए, आंख बंद करके ही प्रार्थना कर रहे, क्या मिला, क्या मिला? वो भगवान ने कभी सुना नहीं सुना। अगर सुनना आप सुनाना चाहते हो तो आंखें खुली रखो, भगवान तभी समझेगा। नहीं तो भगवान की एक ही लैंग्वेज होती है। कई बार मैंने लेक्चर लिया है इसके ऊपर। इतना बड़ा भारत देश है अपना, हर गांव की भाषा अलग है, हर घर की भाषा अलग है ना। महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी, गुजरात में चले जाओ गुजराती, यूपी में चले जाओ उधर की अलग होगी, एमपी में चले जाओ उधर की अलग हो गए, वो तमिलनाडु चेन्नई भी नहीं, वो तो हमको समझ में भी नहीं आती कौन सी लैंग्वेज है, पता ही नहीं चलता है ना। इतने सारी लैंग्वेज, वो बेचारा भगवान कैसे सुनता होगा? सोच के देखो सब लोग, इतनी लैंग्वेज कौन से स्कूल में गए क्या भगवान? चलो भाई तो महाराष्ट्र की स्कूल में आया था, या फिर सीख के पढ़ के चला गया, चलो मराठी समझते उसको, गुजरात में भी गया था, यूपी में भी गया था, बिहार में गया था, सब राज्यों में गया क्या पर्सनल लैंग्वेज सीखने के लिए? नहीं। चलो भारत देश छोड़ दो, हम बोलते हैं कि भगवान पूरी दुनिया में, जितना भी दुनिया है उसमें, अमेरिका में वहां की लैंग्वेज सीखने के लिए गया था, पाकिस्तान की, लंदन की, जापान की, अफ्रीका की, कहां कहां पहुंचेगा भगवान? तो इसलिए भगवानों की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं शामिल था, इसलिए बोल रहा हूं उनकी एक मीटिंग हुई। इतने लोग हैं और इतनी लैंग्वेज है जो हमको समझ में नहीं आती, फिर क्या करना? तो सबने बोला, सब लोग क्या करते हैं, आरती अर्चना करते हैं, कोई भी दुख लेके हमारे पास आ जाता है इंसान, वो क्या बोलता हमारे समझ में नहीं आता। बड़ी चर्चा हुई, नारद मुनि थे वहां पे, नारद मुनि हर जगह पे रहते है ना, अपने भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे नारद मुनि, है कि नहीं है? उनका पाठ जब तक दुनिया रहेगी तब तक नारद मुनि रहेंगे, हर घर में रहेंगे, हर घर में भी रहेंगे, कोई ना कोई होना भी जरूरी, होना भी जरूरी, उनके सिवा आदान प्रदान करेगा कौन है कि नहीं? तो वैसे नारद मुनि उतरते, तो सब भगवान थक गए, अभी क्या करना है, इसके ऊपर रास्ता कौन सा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। बोले दादा अलग अलग लोग अलग अलग भाषा, अपने पास सब कुछ ना कुछ मांगते रहते, कैसे दे, देने के लिए उनकी भाषा समझ में तो आनी चाहिए ना। तो नारद मुनि ने बोला इसका एक रास्ता है और वो रास्ता एक ही है। बोले क्या? सब कोई भी आदमी अगर बोलेगा कि भगवान ये करना है वो करना है, मेरे ऊपर ये रहम कर वो कर, मेरे को ये दे, किसको बच्चा नहीं होता वो बच्चा मांगता है, किसको बीबी नहीं मिलती वो बीबी मांगता है, हाँ जिसके पास नौकरी नहीं होता वो नौकरी मांगता है, सब मांगते हैं लोग, या दुख दर्द जो अपने अंदर होता है वो भी भगवान को बताते हैं। तो ये सब समझ में आता नहीं, इसकी वजह से एक ही रास्ता है कि भगवान तुम एक ही काम करो, कोई भी तुम्हारे पास मांगने के लिए आएगा तुम खाली एक ही बोलो तथास्तु, क्या तथास्तु, सिंपल लैंग्वेज है ना। तो कोई भी अगर दुख दर्द लेके गया एक इंसान कि भगवान मेरे पास इतना दर्द है, इतना दुख है कि घर में मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा, मेरे को मानता नहीं,
जल्दी से मेरे इसके ऊपर तू उपचार कर दे। भगवान बोलता है तथास्तु, मतलब क्या, ये जो दुख दर्द है इसी के अंदर जी तू, ये कभी नहीं जाएगा, तथास्तु। समझ, कोई रोने वाला इंसान अगर भगवान के पास गया मांगने मांगने के लिए कि ऐसी क्या जिंदगी दे दी भगवान तूने कि मैं जिंदगी भर रो ही रहा हूँ, भगवान एक ही बोलता है तथास्तु। लैंग्वेज कहाँ समझ में आ रही भगवान की, भगवान की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। भगवान फिर एक ही बात करते तथास्तु। देखो कौन सा भी भगवान तो ऐसा ही आते, गणपति का देखा है ऐसा ही, शंकर जी का ऐसे, कोई भी भगवान ले लो सबका तथास्तु, मतलब तुम जैसी जिंदगी जी रहो वैसे ही जीते रहो। समझ रहे हो, कुछ भी दुख दर्द लेके जाओ उसके सामने वो एक ही बोलेगा तथास्तु, जैसा है तथा रहे। इसका मतलब ये है तो भगवान के सामने जब भी जाओ कोई कंप्लेंट मत लेके जाओ, अगर कंप्लेंट लेके जाओगे तो बदले में कंप्लेंट मिलेगी। दुख दर्द लेके जाओगे साथ में वही तुमको मिलेगा, क्योंकि भगवान एक ही लैंग्वेज जानते, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ये आशीर्वाद उनका फिक्स हो गए। समझ रहे हो, तो इसलिए भगवान के सामने कभी भी जाओ अपना दुख दर्द मत लेके जाओ, भगवान के सामने कभी भी जाओ रो मत, खुशी खुशी जाओ। हम देखते हैं हर मंदिर के बाहर एक दुकान लगा रहता है जहां पे फूलों की टोकरी होती है, फूल होते हैं, नारियल होता है ना, मस्जिद के सामने ऐसे भी कुछ तो भी खुशबूदार कुछ होगा, सब लोग दरगाह पे होगा जिधर जिधर है वहां पे सब कुछ दुकान लगे रहते हैं, और वो सब चीजें आनंद वाली होती है, आनंद देने वाली होती है, खुशियां देने वाली होती है, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके ऐसी चीजें होती है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि तुम्हारा दुख दर्द मेरे पास बता, भगवान चाहते हैं कि तू मेरे को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगा। कोई गुलाब का फूल लेके जाएगा, कोई नारियल लेके जाएगा, कोई प्रसाद लेके जाएगा, अलग अलग हथकंडे सब लोग इस्तेमाल करते हैं और वो लेके जाते हैं उसको चढ़ाते हैं और उसको यही बोलते हैं भगवान जो चल रहा है एकदम अच्छे से चल रहा है, भगवान बोलते हैं तथा सुतेरा अच्छे से ही चलेगा। हर इंसान, कई कई लोग जाते हैं नौकरी लगने के बाद में, कोई शिरडी जाता है, कोई किधर जाता है, जिसको तुम मानते हो उसके पास जाते, वहां पे जाते भगवान तेरी कृपा से अच्छा चल रहा है, भगवान बोलते हैं तथास्तु अच्छे ही रहेगा। जितने भी दुख भरे हुए तथास्तु हो गए, मतलब उनकी जिंदगी दुख भरी जा रही है। इसीलिए कि भगवान की प्रार्थना करते समय कभी आंखें बंद मत करो, अगर बंद कर ली तो वो सपना ही सपना रहेगा, अगर खुली रख के प्रार्थना करोगे उसकी नजरों में नजर डाल के प्रार्थना करोगे ना वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। सपना भी देखना है तो रात को मत देखो, दिन में देखो, दिन में, दिन में देखा हुआ सपना सच होता है। आप बोलेंगे सर कल से मैं सोता रहूंगा दिन में तो सपना देखूंगा, सोने के बाद नहीं जगने के बाद। आज तक जिसने जिसने जगते हुए सपने देखे सब पूरे हुए, सबके सब पूरे हुए, और जो नींद में सपना देखता है उसका कभी भी पूरा होता है क्या? रोज रात को तो मेरे को अलग अलग सपने आते हैं, कभी ऐश्वर्या राय आ जाती है, कभी श्रीदेवी आ जाती है, श्रीदेवी पूरा नहीं चलो नहीं नहीं आलिया भट्ट आ जाती है, अलग अलग। लेकिन दिन में कभी आई सामने, अरे सामने क्या मैंने देखा तक नहीं, ऐसी डायरेक्टली देखा तक नहीं। तो यही बात है कि वो कभी सच नहीं होता है, जो होगा दिन में सपना देखने से होगा, दिन में सपना। अभी सपना ही देखना है तो दिन में देखने से अच्छे है ना, वो कर सकेंगे आप बराबर। तो जिंदगी में सपना अगर देखना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट की बात कर रहा हूं, गोल सेट क्या होता है, ध्येय प्राप्ति, गोल सेट है ना, कि जिंदगी का टारगेट होना चाहिए कुछ तो भी, यहाँ इस मुकाम तक मुझे पहुंचना है। देखो इधर गोल किसी ने बनाया है पहले से, है कि नहीं, ये गोल सेट आपकी जिंदगी का गोल सेट चाहिए। क्या गोल सेट है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, आपका आज तक किसी ने गोल सेट किया है नहीं? चलो मैं मेरा बताता जिंदगी का गोल सेट क्या है मेरा। बहुत सारे लोग जानते मैं बहुत गरीब घर से आया हूं, बहुत गरीब, गरीब मतलब कितना, जिसका जन्म हुआ तब तक उसके घर में लाइट नहीं थी, पांचवी सातवीं क्लास तक मेरे घर में लाइट नहीं थी,
साइकिल शायद ही मैं 10वीं क्लास में गया तब हमारे घर में पहली साइकिल आई हो, है ना, वो भी सेकंड साइकिल ली थी मेरे लिए मेरे पापा ने, तब तक हमारे घर में साइकिल तक नहीं थी। पिताजी सूरत में काम करते थे गुजरात में, मेरे जन्म के बाद उनको वहां से भी आना पड़ा गुजरात से, किधर गांव में आना पड़ा। उसके बाद में वो दूध फेडरेशन में लगे और सोसाइटी में लगे, ऐसा कुछ काम करते थे, छोटी छोटी खेती थी, वो खेती का काम करके सब चलता था। चलो हमारे खानदान में एक ही मास्टर था सुलत का कामाज, वो हेड मास्टर थे और उन्होंने वो फैमिली खाली उनकी तक सीमित रखी, मतलब दूसरे जो छोटे छोटे भाई है उनके लड़कों को उन्होंने जो नॉलेज देना चाहिए था वो शायद दिया नहीं, या उनको टाइम नहीं मिला, या फिर अलग अलग सोच रही थी हर किसी की कि अगर मैंने किसी को ये बताया ये मार्ग दिखाया तो ये आगे निकल जाएंगे, कॉम्पिटिशन लग जाएंगे, सब जो आपके साथ में भी होता होगा ऐसा, तो ये सब कुछ हमारे साथ में भी हुआ। इसके कारण चलो स्कूल में पढ़ रहे सब कुछ हो रहे ना चाहिए, लोग जीते हैं इसकी वजह से नहीं, सब दुनिया जी रही है ना, वैसे हमें जिंदगी जीना नहीं है, जीना है तो थोड़े अलग प्रकार से जीना चाहिए जिसमें हमारा कुछ ना कुछ नाम बनना चाहिए कि यार यस कैलर बॉयज का खुद के नाम से आप पहचाने जाए, है ना, जिसने भी हमारा नाम रखा होगा उसके नाम से तो ठीक है। दुनिया फिर जब आपको समझ में आते तब तक 20-25 साल ऐसे ही निकल जाते, 20-25 साल के होने के बाद आपको पता चलता है तो के ऊपर अपने खर्चे हो जाए कुछ भी हो वो सब कुछ करते रहते, तब तक हमें समझ में नहीं आती। लेकिन पहली शादी होने के बाद भी आदमी अनमैच्योर रह जाता है, जब तक तुमको पहले एक दो बच्चे नहीं होते ना तब तक आदमी अनमैच्योर रहते हैं, तब तक उसको यही महसूस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, जो चल रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन तभी पछतावे आने चालू हो जाते हैं जब एक दो लड़के हो जाते, फिर पता चलता है यार अब मैंने कुछ तो भी करना चाहिए, उसके बाद आदमी गोल सेट करता है। और वो गोल सेट करते समय आपको खबर नहीं लगेगी कि मुझे जिंदगी में आके क्या करना है ना, मैं 20-25 साल का हो गया, डी एडिक्शन क्षेत्र में आ गया, नशा मुक्ति केंद्र में आ गया, आने के बाद एक ही सोचा अब मरते दम तक करूंगा तो यही करूंगा, मरते दम तक करूंगा तो यही करूंगा, क्या नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एक तो काम करूंगा या तो फिर खुद का स्टार्ट करूंगा। गोल मेरा क्या सेट हो गया, गोल मेरा क्या सेट हो गया, नशा मुक्ति केंद्र कब तक, कब तक, मरते दम तक, जब तक मैं नहीं मरता तब तक। और इससे भी आगे मैंने सोच के रखा है, अगर समझो ऊपर भगवान ने जगह दी तो उधर भी रिया भी खोलूंगा, आप लोग आएंगे तो उधर मेरे पहले आप पहुंच जाओगे, है ना, और इतने जितने भी होंगे उतने रहेंगे ना, तो मैं भगवान से उधर विनती कर सकता हूँ कि भगवान ये डिपार्टमेंट मेरा है, मेरे डिपार्टमेंट के लोग मेरी तरफ भेजो बाकी की दूसरी तरफ भेजो, कोई टेंशन नहीं उधर भी खेल लूंगा। एक बार तो मैं ऐसे ही बोला था काश मुझे कल जाके जेल हो जाती तो मैं जेल में भी रिहाई भी खोलूंगा, अगर काश मुझे जेल में किसी भी कारण से जाना पड़े जितना भी दिन में रहूंगा उतना दिन में रिहा खोलूंगा, मतलब उधर लेक्चर लूंगा नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर। ये जो हुआ ये मेरा जिंदगी का टारगेट हो गया, ये गोल सेट हो गया कि अभी ये मरना भी है जीना भी इसी के अंदर, ये नहीं बाबा कि 6 महीने के बाद में दूसरा प्रोग्राम कर लूंगा, 6 महीने के बाद में मैं दूसरे सेक्टर में चला जाऊंगा नशा मुक्ति का छोड़ के, नहीं नहीं मरते दम तक यही करूंगा। सबकी गलतियां कहाँ पे होती है, अभी नए नए बंदे, चलो गवर्नमेंट सर्वेंट छोड़ के जितने भी है, अगर तुमको एक बिजनेस में लॉस आ गया तो हमारे दिमाग में 10 बिजनेस खुल जाते हैं, या अगर एक जगह पे तुम्हारा नाम बदनाम हो गया तो तुम 10 जगह ऐसी ओपन कर लेते हो कि अभी इसकी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं, दूसरा खोलूंगा तीसरा खोलूंगा। वहां पे ही हमारे सही में हार है, हमें सफलता जो नहीं मिल रही उसका रीजन ही वही है कि हम हमेशा जितनी उम्र नहीं उतने जॉब चेंज करके रख दिए,
गोल सेट करते समय एक ही चीज कीजिए, जो भी आप करना चाहते, जैसे मैंने नशा मुक्ति का किया, वैसे आप जिस क्षेत्र में रहना चाहते हो उसी क्षेत्र के अंदर तुमको रहना है। गोल कब तक का? मरते दम तक का चाहिए। अगर तुम खेती करना चाहते हो तो मरते दम तक मैं बड़ा खेती करने ही वाला बनूंगा, यही गोल रखो। चाहे तुम फिर कितना भी उसमें लॉस आ जाए, ये चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तुम नहीं छोड़ोगे आखिरी दम तक। कोई दुकान में काम कर रहा होगा उसका मास्टर बन जाओ, कोई किधर का काम कर रहा होगा उसका मास्टर बन जाओ। गोल ये नहीं होता, मरते दम तक का गोल होना चाहिए सबके पास, है ना। अगर तू ट्रक का काम कर रहा है तो मरते दम तक ये सोचना कि जितना भी महाराष्ट्र में या इंडिया में वो सब ट्रक मेरे ही चलेगी, वो गोल सेट होता है। या तो 6 महीना लॉस हो गया उसके बाद में बंद कर दूंगा, दूसरा देख लूंगा। कई दुकानदार करते हैं 4 महीना गुल्फी का धंधा, 3 महीना किराने का धंधा, सीजन धंधा करने वाला कभी दुनिया में सेट नहीं हो सकता। इतना बात ध्यान में रखो, आज तक जिसने जिसने सीजनेबल बिजनेस किया है ना, वो कभी दुनिया में सेटल नहीं होता। वो ये सीजन में पैसा उसको मिलेगा, लेकिन अगले सीजन में सब कुछ खो देगा। बरसात में जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा वो ठंडी में खो देगा, और ठंडी में जितना मिलेगा वो धूप में खो देगा। वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता सीजनेबल वाला। या छोटा मोटा ये साल ये कर लिया, वो साल वो कर लिया, वो साल वो कर दिया, हमेशा से जिंदगी उसकी वही रहेगी, मर जाएगा उसमें, लेकिन घर वालों को ना सुख और शांति देगा ना खुद का नाम कमा सकेगा। तो गोल कोई भी सेट करना हो तो मरते दम तक का करना पड़ेगा। कोई ड्राइविंग भी कर रहा हो ना तो उसमें भी गोल सेट कर सकता है, मरते दम तक मैं गाड़ियों का बिजनेस कर सकूंगा। आज ड्राइविंग कर रहा है, कल उसकी खुद की हो सकती है, कल जाके 4 और ले सकता है, कल जाके 8 ले सकता है, वही बिजनेस बढ़ाएगा। एक दिन सेट बन के बैठेगा, खाली ऑर्डर देता रहेगा, तू इधर लेके जा, तू उधर लेके जा, उधर लेके जा। क्योंकि एक बात बताता हूँ, ये बात मुझे, मैं एक बार ट्रेन का सफर कर रहा था नासिक से लेके जलगांव तक, और ट्रेन में यहाँ से जाना था 2-3 घंटे का रास्ता, तो मुझे जाते जाते मैं जनरल डब्बे में गया। जनरल डब्बा मैंने छोड़ दिया और जो राखियों डब्बा रहता उसके अंदर घुस गया, क्योंकि गर्दी रहती, 3 घंटा जाना है, कार को नड़ाएगा, बैठ गया उसके अंदर। तो राखियों डब्बे में बैठा ना, वहां पे एक लेडीज बैठी थी मेरे बाजू में, तो वो लेडीज और मैं ऐसे 15-20 मिनट हो गए, उसने खुद से मेरे को बात किया, बोले आप कहाँ पे जा रहे हो? मैंने बोला जलगांव जा रहा हूँ। अच्छा तुम जलगांव के हो? बोलते हाँ मैं जलगांव का हूँ। मैंने फिर बाद में पूछा ना आप कहाँ के हो, मैंने उनको बोला आप कहाँ के हो, बोले मैं वैसे ही अमेरिका से हूँ। वो इधर किधर जा रहे? बोले मेरे को नागपुर जा रहे। अच्छा फिर आप यहाँ से कहाँ से आए? बोले मैं मुंबई से नागपुर जा रही, मैं 15 दिन पहले ही आई, लेकिन अभी नागपुर में मैं रहती हूँ तो उधर जाना है। ठीक है, ऐसी बातों में से एक ऐसे ही बात छिड़ गई कि बोले इंडिया और अमेरिका में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अमेरिका के लोग क्या करते हैं और इंडिया के लोग क्या करते हैं। अभी पूछना तो अपना काम है, वो जवाब दे रही थी। बोले अमेरिका और इंडिया के लोग में ये डिफरेंस है कि अमेरिका हमसे कई साल आगे निकल चुका है। ठीक है, मैंने बोला क्यों? वो क्यों निकल गए? वहां पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी सूरज उगता है, वहां पे भी हो जाता है, वहां पे भी डे नाइट, यहाँ पे भी डे नाइट, सब चीजें तो सेम है, वो कैसे आगे निकल गए? बोले वैसे नहीं, वो थिंकिंग से आगे निकल गए, 10 साल हमारे से आगे। अच्छा क्या थिंकिंग से? बोले इंडिया के लोग कैसे है, कोई भी बिजनेस खोल दो, 6 महीना चलाएंगे, उसके बाद में थक जाएंगे, दूसरा ढूंढ लेंगे, फिर दूसरा और 6 महीने चलाएंगे, उसके बाद थक जाएंगे, तीसरा ढूंढ लेंगे। इसकी वजह से हम कभी सक्सेसफुल नहीं होते। बोले अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में पहली बात जात पात कुछ नहीं है, ऊंचा और नीचा कुछ नहीं, सादा बिजनेस ले लो। बोले चप्पल का, अगर कोई इंसान चप्पल का भी दुकान डालेगा ना तो वो चप्पल की दुकान में इतना मशहूर हो जाता, जब तक उसको लास्ट उसका गोल सेट नहीं होता तब तक वो धंधा नहीं छोड़ता, उसके डीप 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 जाता है वो। हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग कोई भी धंधा खोलेंगे पहले 3-4 महीने देखेंगे लॉस, इसमें कोई मजा नहीं तो छोड़ देंगे, कभी हम डीप डीप में नहीं जाते। वो लोग जिसमें लॉस हो रहा है
उसमें भी वो ही सोचते हैं कि अगर मैंने ये धंधा कर रहा हूं तो लॉस क्यों हो रहा है, उसके और डिप में जाएंगे और धंधा करेगा और बिजनेस बढ़ेगा और सोचेगा ये इतना ही क्यों हो रहा है, उसके ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, और डिप में जाएगा। वो एक ही खड्डा इतना खोदते है जब तक पानी नहीं लगता, तब एक ही खड्डा इतना खोदते है जब तक पानी नहीं लगेगा तब तक खोदते ही रहते। और हमारे इंडियन सोच कैसी है, खड्डा खोदा पानी नहीं लगेगा, चार जन आएंगे बताने के लिए, लगेगा कि नहीं, पत्थर है अपने जैसे ना, सेम कलर मारो सर, मार दिया कलर, फ्रेश कंट्रोल को बोला बुला लिया सर, इससे भी नहीं होगा थिनर मारा, थिनर मारा सर, इससे भी नहीं होगा गाड़ी चेंज करो, कर दी गाड़ी चेंज है कि नहीं। हाँ, यही थिंकिंग के कारण क्या हो गया, वो कुछ नहीं रहा है, लॉस हो रहा है खाली। अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं भी साला डिप डिप में जा रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा, हार नहीं मानी, कितना डिप में जा रहा हूं आप भी देख रहे हो, हार नहीं मानी, मैं तेरे को तो भगा के रहूंगा। तो ये जो सोच है अमेरिकन लोगों की, वो सोच हमारे अंदर लानी पड़ेगी। डीप डीप पे तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसके मास्टर बनो, और मास्टर बनना ही चाहिए, जितने धंधे आप छोड़ते हो उससे ज्यादा तो ये चाहिए, एक ही काम करना है, एक ही काम करना है। कुछ सालों तक तो एक काम करते समय अगर तुम उसके अंदर रहे तो आप उस काम के बाप हो जाते हो, ये हमारे समझ में नहीं आता। हमें क्या लगता है, दुरुन डोंगर साजरा है ना, हम जब तक दूसरे आदमी को देखते हैं ना, सर अपने आप ही चलते रहते हैं अंदर, उसका सही चल रहा है, उसका अच्छा चल रहा है। मेरे बाजू वाले ने किराना दुकान डाला ना, बहुत जोर से चला, मैं भी दुकान डाला, ये सोच है हमारी। उसने गन्ने का जूस का डाला ना, मैं भी गन्ने का जूस का डालूंगा, ये सोच है हमारी ना। वो आगे जाएगा ना, तुम आगे जाएंगे, और भगवान तुमको क्या है क्या आशीर्वाद देगा, चलने दो साला, सही चलने दो, है ना, हो गया क्या, कुछ नहीं हो रहा उसमें से। तो ये चीज है कि गोल जब तुम सेट करो अपना जिंदगी का, मैं काम के बारे में बोल रहा हूँ, काम के बारे में जो गोल सेट करो ना, तो ऐसा सेट करो कि मरते दम तक मुझे यही करना है। तुम जब ये बाद में करते हो ना, तब तुम वही पे नहीं रहते हो, उससे कई गुना स्टेजेस तुम्हारी बढ़ जाती है, और तुम उस बिजनेस में आज लॉस में होंगे, लेकिन आज की सोच में तुम कई गुना हजारों करोड़ों आगे निकल जाते हैं, समझ रहे हो। मैं ये सब बोलता था कल, जो पुराने पेशेंट होंगे वो जानते हैं मेरे को, उनको पूछ के देखो, मैं जहाँ पे काम करता था वहां पे ऐसे ही लेक्चर लेता था, और ऐसे ही मैं बोलता था मेरा एक रिहाब होगा, मैं ओपन कंसेप्ट लाना चाहता हूँ, और मैं वहां का मालिक भी सुनता था, जो मालिक था उस कुर्सी पे रहता था, जब भी उसको पता चलता था कैलाश भास्कर का लेक्चर है, वो आके बैठ जाता था बाजू में कुर्सी डाल के, या तो पर्दे के पीछे बैठ जाता था, ये क्या बोल रहा है वो सुनने के लिए आता था, और मैं बिंदास बोलता था मेरे रियाब में मैं ऐसा करूंगा, मेरे रियाब में ये होगा, ये सब बातें मैं खाली बोलते रहता था। और उसके बाद जो मैंने टारगेट बनाया था कि जब मेरी उम्र 42 साल की होगी तब मैं खुद का रियाब डालूंगा, ये कभी बोली बात 2016 2017 2018 2019 तब मैं ये लेक्चर में लेता था, ये सब कुछ मैं मेरे रियाब को ऐसा रखूंगा, मैं मेरे रियाब की कंसेप्ट ऐसी करूंगा, मैं खुद का डालूंगा, ये सब बोलता था मैं। और बोलते बोलते क्या, वो मालिक सुनता था, सब लोग सुनते थे, ये कहला सर बोलते बोलते बोलते, लेकिन झूठ नहीं बोलता। 2015-16 से लेके आज तक जितने भी पेशेंट मेरे अंदर से गए, वो पेशेंट को अगर पता चलता है कि इच्छा फाउंडेशन कैला सर का है, वो मेरे को फोन करते पर्सनली, बोलते सर ये तुम्हारा सपना था जो सच हो गया। तो डरने वाला भक्त भी नहीं चाहिए होता है भगवान को, समझा,
सामना करने वाला भक्त चाहिए होता है भगवान को। एक बात बताता हूँ, जब मेरे को डायबिटीज हो गई उसके बाद में मैं घर पे चला गया, मेरी अवस्था इतनी बेकार हो चुकी थी कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब मेरी वाइफ भी मेरे को छोड़ के चली गई थी, एक बच्चा था ईशान, ये बहुत छोटा था तभी, वो भी वाइफ बोली मैंने तुम्हारे लिए इससे शादी नहीं की कि तुम सिटी से छोटे गांव में आ जाओ, इसके लिए मैंने शादी नहीं की, मेरा भविष्य क्या रहेगा तुम्हारे पीछे, तुम यहाँ पे आने के बाद में क्या करने वाले हो। मैंने बोला यार तू सुख दुख में मेरा साथ नहीं दे रही, चल तू भी नको मेरे को। वो पहले से मेरे को छोड़ के चली गई है ना। 2 महीना पागल की तरह घर में रहा, डायबिटीज का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 30 साल की उम्र में मेरे को डायबिटीज हो गया। और जब हुआ तब तक, जब तक मेरे को पता नहीं था तब तक सब सही था, लेकिन डॉक्टर ने जब बताया और मेरे को एडमिट किया, मेरे पलंग के ही सामने मेरे को 350 और 250 वाला का पैर कट रहा था। मैं, मेरे को 350 डायबिटीज, मैं ये बेड पे और मेरे सामने एक था इंसान जो कुछ काम करता था सिटी का, वो सामने के बेड पे और उसका रोज एक उंगली काटी, आधा काटा, एक दिन आधा ही पैर काट दिया, रोज थोड़ा थोड़ा उसका पाव सर्जन काट रहा था। मैंने पूछा इसको क्या हुआ है, बोले इसको गैंग्रीन होगी। क्या रहता है गैंग्रीन, बोले इसको डायबिटीज थी, जख्म हो गई, इसको समझ में नहीं आया, पूरा गैंग्रीन हो गया, पूरे कीड़े कीड़े हो गए पैर में, सड़ गए उसका पैर, इसके लिए इसको काट काट के फेंक रहे, नहीं तो वरना पूरा पैर सड़ जाएंगे इसका। मन की इस किसके कारण हुआ, मन कितने थी इसकी डायबिटीज, बोले 250। यार मेरे तो 350 है। मेरे को डॉक्टर बोलते खाना खा, अरे क्या खाऊं, वो काट रहा है। वो तभी लगा सब खत्म हो गया, तभी लगा मेरे को अरे इसका 250 में काट रहा है तो साला मेरा क्या क्या काट रहा है। मैं तो तभी मर गया आधा। उसके बाद में मैं गांव में चला गया, अकेले ही घर में दो महीने तक घूमता रहा, डिप्रेशन में निकल गया फुल, सोचता रहा है क्या हो गया मेरे साथ में, भगवान तुमने क्या सजा दी मेरे को, ऐसी क्या हो गया क्या हो गया। एक दिन ऐसे अचानक मेरा दोस्त और मैं, वो दोस्त बेचारा उसके भी बहुत गंदे दिन चले गए है ना, मेरा सका चुलत भाई है, उसको ये क्या सांधेवाद का बहुत प्रॉब्लम हो गया, मतलब उसके हाल ऐसी की ऐसी रह गई, ऐसी की ऐसी ये खुलता ही नहीं उसका, सब जगह पे ट्राई किया, ये हाथ भी ऐसे हो गए, मेरी उम्र का, मेरे क्लास का, मेरे घर के लगे बात, वो तब अच्छा था। और उसको लेके हम टॉयलेट का डब्बा लेके बाहर जा रहे थे, हाँ गाँव में कैसा रहता, घर में कोई टॉयलेट भी हो तुम्हारे, कितना भी वीआईपी बांध दो, घर में कोई नहीं बैठता, तब डब्बा लेके नदी किनारे, तापी नदी है हमारी इधर, उधर जा रहे पहाड़ की ऐसे उतर उतर के, तो जा रहे वो आगे चल रहा मैं पीछे चल रहा, उसके पास एक डब्बा मेरे पास एक डब्बा, ऐसी बातें करते करते चल रहे, और अचानक से सपाट रस्ते पे मैं सारा बल्टी मार के ऐसा गिर गया। शुगर जब कम हो जाती है, हाँ अंधेरा अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, मैं ऐसा गिर गया, डब्बा पानी पूरा चला गया उसके अंदर का, और मैं उसको इकड़ पाए मतलब, वो बोल रहा अरे तू कस कहाँ पड़ रहा, ना इतने पत्थर है ना दगड़ है, तू कैसे गिर सकता है। मैं बोल मेरे को भी समझ में नहीं आया यार क्या हो गया। फिर वहां पे आगे एक माधव की पिंड थी, बहुत पुराना मंदिर है हमारा, और वो पर हम टॉयलेट भी करके आए कि वो महादेव की पिंड के पास ऐसे बैठते थे, और वहां से नदी ऐसे सामने नीचे नदी देखते थे, और हमारी तो बड़ी स्टोरियां चलती थी, वो भी पहले पुणे में था, पुणे से वापस आ गए, ये सब तो बड़ी स्टोरियां हमारी चलती थी। मैंने बोला आज जा मेरे को टॉयलेट ही नहीं करना। बोले क्यों, उनके डब्बा गया, एक ही डब्बा, एक डब्बे में दो था, मैं नहीं करता, मेरे को लगी भी नहीं, क्योंकि तू जा थोड़ा आराम करते इधर बैठता, ऐसे वीक तबियत थी मेरी बहुत, 49 केजी था, अब 63-64 है। तो इतने में वो मंदिर था महादेव की पीठ, और मैं उसके सामने गया और उसको बोल रहा बस क्या इतनी ताकत है कि तेरे को मेरे को दूध देने की। मैं उसको आवाज दे रहा, इसको महादेव की पीठ चैलेंज कर रहा, और कितना दूध दे सकता है, दे दे, ये झेलने के लिए तैयार है, तेरे में जितनी हिम्मत होगी ना उतना दे, इससे और क्या दे सकता, तू मेरी वाइफ छीन लिया, चल जाने दे, हो गए, तेने मेरे को डायबिटीज की बीमारी लगा दी, लगा दे, और क्या कर सकता है। लेकिन जिस दिन तेरे ये दुख खत्म हो जाएगा ना,
उस दिन के बाद तो भूल जाएगा ये कैला तो उसका क्या था और क्या रहेगा। मैंने जब चैलेंज दिया ना भगवान को बहुत, उस दिन से मेरे दिन चेंज हो गए और आके खोल के मैंने चैलेंज दिया, आग दिखा दिखा के चैलेंज दिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके आगे जितना दुख दे सकता है दे दे, जलने के लिए तैयार हो, लेकिन जिस दिन ये दुख तेरे खत्म हो जाएंगे उस दिन तू मेरी तरफ देखता रहेगा। हो गए मेरे दिन खत्म, दुखी खत्म हो गया। उसके बाद दुख क्या है मेरे पास, भगवान को चैलेंज करना पड़ता है तब जाके ये सच बात होती है। और देखो ना वही मंदिर है, वही कैलाश बहिष्कर है, तब 49 केजी था, अब 63 है। उस दिन के बाद मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, आज तक मैं डॉक्टर के पास गया नहीं, 12-13 साल हो गए मेरे को डायबिटीज होके, आज तक मैं डॉक्टर के पास गया नहीं कि डॉक्टर मेरे को डायबिटीज का क्या हुआ देखो। मैं खुद एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ डायबिटीज का और खुद इलाज करता रहता हूँ। एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को डायबिटीज बहुत, कभी भी चेक कर लो कभी 600 रहेगी तो कभी 150 रहेगी, पता नहीं चलता। मैं रिपोर्ट भी बीच बीच में निकालता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं, फिट लग रहा हूँ, सब कुछ है। वही भगवान था, वही बीमारी थी, लेकिन भगवान को वही वाइफ भी आज मेरे साथ है। एक बच्चे के 2 बच्चे हो गए। चेंज होता है, चैलेंज करना पड़ता है। जब तक चैलेंज नहीं करोगे तब तक खुद की तकदीर नहीं बदल सकती है ना। हम तकदीर के ऊपर छोड़ देते कई लोग, जो मेरे तकदीर में होगा वो मेरे साथ होगा। अरे तकदीर लिखने वाले हम हैं, कोई बंदा या कोई भगवान आपकी तकदीर लिख के नहीं भेजता है। तकदीर खुद के हाथों से और दिमाग से तुम लिखते हो। भगवान, मैंने बोला ना भगवान को एक ही लैंग्वेज समझती है, तथास्तु, तो वो कैसे तुम्हारी तकदीर लिख सकता है। ये बीमारी है तुम्हारे तकदीर में लिखी थी, ये तो अपनी कहीं ना कहीं गलतियों के कारण हमें लगा है। नशा करना एक बीमारी है, तुम्हारी गलती के कारण तुमको ये बीमारी लगी। डायबिटीज की बीमारी मुझे लगी, मेरे कुछ तो भी गलती हुई होगी उसके कारण मेरे को लगी। शायद ये डे नाइट का मेरा प्रोग्राम बहुत ज्यादा श्रम होगी, बहुत ज्यादा टेंशन होगा, बहुत ज्यादा मैंने शुरुआत में लिया बहुत कुछ, उसके कारण मेरे को डायबिटीज लगी होगी, या तो फिर मेरे खानदान से आई होगी, कहाँ से तो भी आई होगी। अगर ये सब चीजें मैं उसी के ऊपर छोड़ देता मैं तुम्हारे सामने आ सकता था नहीं। जो वो तकदीर नहीं लिख सकता, वो तकदीर अगर हमने बोला है कि हम खुद ही उसके तू चाहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार तू ही है, वो तेरे जिंदगी का शिल्पकार तू ही है, तूने ही ये सब डिजाइन की है, समझ रहे। अभी लोग इधर भी काट काट के आते, वो देखा था ना अपने बंदा जो गुजर गया, इधर काटा हाथ काटा ट्रेन के अंदर, ये सब ब्लड निकला, ये तकदीर में लिखा था भगवान ने, आ जा तू एक दिन ऐसा आएगा कि तू नस काटेगा, एक दिन ऐसा आएगा तो तू ये गला ही काट लेगा, वो भगवान ने लिख के रखा है, नहीं लिख के रखा है। इसीलिए हम खुद बनाते हैं सब चीजें, अगर खुद बनाते खुद के हाथ में है तो अच्छा क्यों नहीं बुरा क्यों, बनाना ही है। मेहनत तो दोनों में, जितनी मेहनत बुराइयों में लगती है उससे कम मेहनत अच्छाइयों में लगती है। बुरा तो कुछ मत करो बुरा बन जाओगे। ये जवान लड़के, मैं भी था उसमें, जब जवानी में जब ताकत थी जब सब कुछ था मेरे पास तब साला मैं कुछ नहीं करता था। जब तुम्हारे पास 21-22 साल की उम्र में तुम्हारे पास ताकत होती है, दिमाग होता है, भाग दौड़ करने के लिए पावर होती है, सब कुछ होता है, तब हम कुछ नहीं करते, काम धंधा सब कुछ छोड़ के हम एक ही चीज करते रहते, माँ बाप के पास 100 रुपए मांग 200 रुपए मांग और मजा करते रहते, उसके अलावा कुछ नहीं, ना बड़ा बनने की कोशिश, ना बिजनेस करने की कोशिश, ना किसी क्षेत्र के अंदर कुछ सीखने की कोशिश कभी नहीं करते। जब ये सब कुछ थक जाता है तब दिमाग में, अभी आप जैसे बूढ़े लोगों के अंदर आता होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अब क्या कर लोगे, अब क्या उखाड़ सकते हो, देश चला रहे 60 साल कुछ कर सकते बस, और 2-4 साल उसके बाद क्या उखाड़ लोगे। देश चला रहे और 2-4 साल, कितने साल करोगे ऐसा, लेकिन थकने के बाद आप देश ही चला सकते हो। थकने के बाद आदमी देश ही चला सकता है, उसमें क्या है,
तो मैंने थोड़ी कर सकता है। हमारे काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। खेती का काम कर सकते हो अभी? नहीं कर सकते। भाग दौड़ सकते हो क्या अभी? नहीं कर सकते। पुलिस मिलिट्री के ट्रेनिंग कर सकते हो क्या अभी? नहीं कर सकते, क्योंकि ताकत ही निकल जाती है ना। और ताकत निकल जाने के बाद क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो ये तब रोना आएगा जब तुम्हारे पास ताकत थी, जब जवानी थी, जब उम्र थी, तब तुमने कुछ नहीं किया। और ये सब निकलने के बाद जब तुम सोचोगे ना, तब भी कुछ कर नहीं पाओगे। तो समय अभी भी तुम्हारे साथ में है। समय तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे पास ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करो। अच्छा तुमको मिलेगी। अगर तुम नशा कर करके इसको बर्बाद कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको? कितने जवान लड़के सामने खड़ा करो, 21-22 साल के, 20 साल के, ऐसे लगते अभी बूढ़े हो गए। सही में ना, अभी बूढ़े हो गए ऐसा लगता है। आधा चपाती, एक चपाती, घर वाले उसके पीछे, वो खाना खा ले, दारू पिया है तो खाना तो चाहिए, खाना खा ले। आधी चपाती खा रहा है, एक चपाती खा रहा है, डेढ़ चपाती खा रहा है। क्या हालत है? क्या गोल सेट करके आप आगे निकल जाओगे? कैसे जाओगे यार? तो ये चीज है, इसको समझो। गोल सेट करना है तो मरते दम तक का, कितनी भी अड़चने आएंगी, कितने भी प्रॉब्लम होंगे, फिर भी मैं उससे नहीं हटूंगा। जो काम कर रहा वो मरते दम तक करूंगा। समझ रहे हो आप लोग? यार इतने सुन्न क्यों हो गए? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो काम कर रहा वो मरते दम तक करूंगा, वही क्षेत्र का मैं मास्टर की प्राप्त करूंगा। कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, समझ रहे हो? जिसने जिसने डिग्री ली वो सब लोग नौकरी करते। एक बात ध्यान में रखना, जिसके पास डिग्री है पढ़ाई लिखाई की और वो डिग्री के ऊपर वो कुछ करना चाहता है, वो सब लोग नौकर ही बन सकते। और जिसने जिसने डिग्री नहीं ली और जिसने प्रैक्टिकली लिया वो सब मालिक बने। ये सिंपल है इसका, समझ लो। आप देख लो किधर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैठे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सचिन तेंदुलकर पढ़ा लिखा है? नहीं। कितना पढ़ा है? दावी से ना, क्रिकेट का बाप बना, पूरी दुनिया मानती उसको, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं उसको, है ना? पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन क्रिकेट में कभी हार के पीछे नहीं। उसके साथ में विनोद कांबळे था। क्या हालत है उसका दोस्त? विनोद कांबळे की हालत क्या है? मैंने पीछे देखा, खाने की लालच है उसकी, हॉस्पिटल में पैसे भरने के लिए नहीं थी उसके पास, दो चार धन मिल के उसके पैसे भरे, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। विनोद कांबळे जिंदा नहीं छोड़ी बॉस, सचिन तेंदुलकर ने कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, कभी टीवी पे नहीं छाया। आज सचिन तेंदुलकर ने इसको गाली दी, आज सचिन तेंदुलकर ने ये किया, कभी आया? उसको एक बार कप्तान बना दिया, बाद में निकाल दिया, कितने बार हुआ होगा, लेकिन कभी मीडिया के सामने नहीं बोला कि इन्होंने मेरे को कप्तान बना के निकाल दिया ना, चलो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। नहीं नहीं, अरे पब्लिक ने जबरदस्ती उसको रिटायरमेंट दिया। खुद से रिटायरमेंट नहीं होना चाहता था सचिन तेंदुलकर, पब्लिक ने करवाया, है ना? क्या उसके नाम की मूवीज वीवीज ये सब कुछ आ गया मार्केट में। जिद थी बहुत, जिद। इस तरह एक ही क्षेत्र में कोई भी जाओ, कोई डांस क्लास चलाना चाहता है ना, एक ही क्षेत्र में ऐसी मेहनत करोगे यार। आज तेरे पहचानते क्या डांसर है कि इधर कोई? हाँ, वो कैसी परिस्थिति में से आया, उसके साथ वाला वो दूसरा डिसूजा, वो कैसी परिस्थिति में से आया, छोड़ा क्या उन्होंने? आज दुनिया इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हर बिजनेस चलता है, हर बिजनेस कुछ भी करो चलेगा। इतना मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण, ये सब कुछ दुनिया के सामने तुरंत आ जाता है, तुम कुछ भी करो, लेकिन एक ही चीज करते रहो, ऐसा उनका कहना। उसके लिए पागल बन जाओ, उसके लिए नशेबाज बन जाओ, कोई टेंशन नहीं। नशाबाद मतलब काम के लिए है बोल रहा हूँ, तो तुम समझोगे सर मैं दारू थोड़ी थोड़ी पीता था, अभी रोज करूंगा, इसके तौर पर तुम्हारा गोल देखना पड़ेगा किधर। तुम्हें ये चीज है, रोज वही करो,
जो करते हो और उसमें खुशियां ढूंढो। हमें से बहुत लोग है, आप देखते होगे कोई कंपनी में जाने वाला इंसान को कभी पूछ के देखो, यार तू कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहा है? सर मेरे को 5 साल हो। अच्छा मेरा ये सवाल है तेरे से, तू जहाँ पे काम कर रहे है वहां पे खुश है क्या? कहाँ सर कहाँ दे रहे हैं वो लोग? हाँ ना फैसिलिटी दे रहे हैं, ना साला पगार बराबर दे रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं, ना कुछ नहीं। मतलब जो कर रहे हैं ना उसमें भी रोना है, सबका खुश नहीं है। रोज खुशी देने वाला काम होना चाहिए। जो भी काम है उसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा वो खुशी। हम रोज खेलते हैं, रोज हंसते हैं, रोज कुछ नया करते हैं। एक ही काम 17 साल से कर रहा हूं यार, अभी तक बोर नहीं हुआ। और जो वो बोर नहीं हो रहा मैं, वही मेरी एनर्जी है। ये एनर्जी कहां से आती है? जो काम तुम कर रहे हो उसी के अंदर खुशियां, उसी के अंदर नयापन। रोज कुछ नया करने को मिलता है, रोज। रात को भी मेरे को नया करने को मिला। रात को 12:30 बजे आया, एक को उठा के लेके आया 1:30 बजे, 1:30 बजे घर पे गया मैं। एक का पिकअप किया था ना रात को, पता है ना आपको? रोज नया मिलता है, रोज नए नए लोगों से पहचान होती है। काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, प्रसन्नता मिलनी चाहिए। प्रोग्राम भी कह रहा है जब तक आपके मुंह पे, चेहरे पे और मन पे प्रसन्नता ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकती। अच्छी जिंदगी आपको नहीं मिल सकती। प्रसन्नता आ गई जो काम कर रहे हो उसके अंदर, या जो फैमिली में रह रहे हो उसके अंदर प्रसन्नता आ गई, आपका सब सफर अच्छे से कट जाएगा आगे वाला। नहीं तो तब तक आपको तकलीफ होती रहेगी बॉस, समझ रहे हो? तो टारगेट ऐसा बनाना है, उससे बहुत चीजें जुड़ी हुई है गोल से। आपको अपना कुटुंब देखना है, परिवार। टारगेट बनाते समय जो गोल बनाया है आपने, आपको आपका परिवार देखना है, आपको सामाजिक देखना है। आपको अपने 9 क्षेत्र ढूंढने उसके अंदर, ये सब बराबर से चलेंगे क्या, तब जाके गोल सेट होगा। नहीं तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, आप बोलेंगे सर टाटा अंबानी का गोल सेट करता हूँ मैं टाटा बनना चाहता हूँ, मैं बिरला बनना चाहता हूँ, मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, ऐसा गोल सेट करेंगे। औकात के हिसाब से करो, समझ रहे हो? औकात के हिसाब से। आपने एक किताब पढ़ी कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, द सीक्रेट नाम के 5-6 पार्ट आ गए। द सीक्रेट रहस्य मैंने बहुत पहले पढ़ा है किताब, शायद 2006-2007 में पढ़ी है द सीक्रेट। पर द सीक्रेट नाम के जितने भी पार्ट है, अपने यहाँ पे प्रोजेक्टर है ना, उसमें लगा लो, ऑनलाइन भी आ जाता है वो, ठीक है सर, मोबाइल से। इनको दिखाओ सबको, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसमें ऐसा है कि सब सच है द सीक्रेट में। एक एक चीज ऐसी बताई है ना उन्होंने कि इस ब्रह्मांड में से कुछ भी मांग लो आपको सब मिल जाएगा, खाली दिल से इच्छा होनी चाहिए और आपके कर्म वैसे होने चाहिए, समझ रहे? उसमें लिखा है, ये ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, आपको दिखता है ना ये रात को? आपको कैसे दिखेगा? पत्र दिखेगा, बाहर जाओगे तो दिखेगा, है ना? ये ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड है और इसमें आप कुछ भी मांग लो आपको मिल जाएगा, कुछ भी, अनलिमिटेड, उसको कोई सीमा नहीं रखी उन्होंने। कुछ भी मांग लो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको पाने की शिद्दत से वो एक डायलॉग है। किसका डायलॉग है? शाहरुख खान का। उसको पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करो, सारी कायनात एक हो जाएगी वो चीज तुमको लाने के लिए या तो देने के लिए। वो डायलॉग सच है, वो द सीक्रेट में लिखा है। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक बोलता हूँ, सिंपल उदाहरण देके उसको समझाना चाहता हूँ, समझ रहे हो? ये पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी मांग लो आपको मिल जाएगा। ये क्या है? क्या है उससे पहले ये क्या है? लकड़ी। लकड़ी कहाँ का है? पेड़। कहाँ का है? जंगल। कहाँ का है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ब्रह्मांड से आया। ये क्या है? लाइट।
कहाँ का है, कहाँ से आया हुआ है, ये ब्रह्मांड के बाहर से आया हुआ है क्या? हर एक चीज, ये पत्थर, ये दीवार, ये लोखंड, ये भी सब चीजें, मेरे आंख पे पहना हुआ कपड़ा भी, ये सब चीजें ब्रह्मांड से आया हुआ है, बाहर से तो आया नहीं। हाँ, कोई एलियन आके देखेंगे तुम्हारे को? ये तुम्हारा जो खंबा आता है वो बाहर से आता है क्या? ये चीजें, सारी चीजें, ये पत्थर होगा, लोखंड होगा, ये फैन होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, कांच होंगे, मिट्टी होगी, सब कुछ ब्रह्मांड से आया हो। ये कहां से बना है लोगों ने, कहां से बना है? हा? ये कोरियन जो बनाया है किसी ना किसी पेड़ का, हा? उसके निकले जो है उससे बनाया हुआ, बराबर। ये जो ऊपर का है किसी ना किसी पेड़ से बनाया हुआ है ना। हर चीज इस दुनिया में, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे लोखंड हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब ब्रह्मांड से बने हुए। ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी माता, क्या ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी माता, ये जो हम माता बोलते हैं इसको, धरती को, ये धरती माता से सब निकला हुआ है। हम पंच धातु से बने, वैसे ही चीज ये कोई ना कोई धातु से बने हुए। ये ब्रह्मांड में एक एक चीज का रिसर्च हुआ, एक एक चीज बनती गई है ना, एक एक चीज बनती गई, मॉडिफाई होते गया, टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, कोई कोई अलग अलग इंजीनियरों ने अलग अलग प्रकार से बना दिया। पहले 60 का बल्ब आता था, फिर 200 का आता था, पीला उजाला देने वाला, उसके बाद व्हाइट देने वाला आ गया, अभी साला उसके अंदर तो कुछ पारा ही दिखता नहीं, अलग ही आया इतना, और उजाला बहुत फुल, लाइट बिल भी कम, कितना टेक्नोलॉजी आया। पहले ऐसा डब्बा वाला टीवी रहता था, वो बंद हो गया, फ्लैट वाला आया वो भी बंद हो गया, तो अलग ही आने लग गया, उसमें 5G 1G 4G सब आने लग गया, अलग अलग आने लग गया। ये टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ रिसर्च करते 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 बनाते गए, लेकिन ये सब चीजें पृथ्वी से निकले, किसी ने प्लास्टिक ढूंढा, किसी ने लोखंड ढूंढा, समझ रहे? किसी ने प्लास्टिक ढूंढा तो किसी ने लोखंड ढूंढा, और केमिकल ढूंढे, उसमें से बनाते 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 ये बढ़ते गया, और ये सब चीजें आपको मिलेगी, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ में उसका उकरा होना चाहिए। मतलब क्या, इस बॉडी पार्ट दिमाग सब उस काम में लगने चाहिए, तब जाके मिलता है, फुकट नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मैं रात को सोता हूं और एक ही बात चिंतन करता हूं, मेरे को गाड़ी मिलनी चाहिए, और सवेरे उठता हूं अपने अपने काम में लग जाता हूं, फिर रात को आता हूं एक ही बोलता हूं मेरे को गाड़ी मिलनी चाहिए, सवेरे उठता हूं अपने काम में लग जाता हूं, आएगी गाड़ी? उसका मतलब नहीं समझे आप, उसका मतलब ये कि आप जो बात की कमांड आपके दिमाग को दे रहे हो, दिमाग ने आपके हाथ पैर को उसी कमांड देनी चाहिए। अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मुझे मेहनत करनी होगी, तुम्हारे हाथ पांव को ये बात बताओ कि तू और ज्यादा मेहनत कर, ऐसा कुछ काम कर जिससे तेरी आमदनी बढ़े, और ऐसा कुछ काम कर इतनी आमदनी पड़े कि तेरे को काम के लिए गाड़ी लगे, देख तेरे पास अपने आप गाड़ी आ गई, समझ रहे? और एक है, आप सुनते कि नहीं पता नहीं मेरे को, सोनू शर्मा नाम का एक मोटिवेशनल लेक्चरर है, वो बताता है उसके पास खटारा गाड़ी थी, बोले पहले टू व्हीलर, वो मार्केटिंग का आदमी, मार्केटिंग कराता है, बहुत बड़ा है, और खटारा गाड़ी लेके वो हर दिन पॉलिसी बेचता था या कुछ करता था, मेहनत करता था, वो सोचता था मेरे को ये चीज लेनी, कभी छोटी गाड़ी से स्टार्ट किया, ऑडी से स्टार्ट, और बड़ी बड़ी गाड़ी, खुद का जहाज, खुद का घर, बहुत बड़े बड़े शहरों में घर, ये सब कुछ हो गया। और ये क्यों हो गया? क्योंकि रोज रात को मैं उसकी फ्रेम बना के रखता था, उस फ्रेम की तरफ देखता था, और एक ही बोलता था मुझे ये लेना है, और सवेरे फिर उसका दिमाग उसको सोने नहीं देता था, चार मेहनत कर, डबल मेहनत कर, चार गुना मेहनत कर, दिमाग लड़ा, और ऐसे लड़ाते सब कुछ मेरे को मिलता गया। द सीक्रेट नाम की ये किताब सच है, आप कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप देखिए, यहाँ पे ही दिखाएंगे आपको, है ना? उसका सिंपल सा जवाब है, बिना मेहनत का तुमको फल नहीं मिलेगा।
जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सुन रहे हैं ना बॉस? यस। आप मैं बाबा की तरह भाषण नहीं करना चाहता हूँ, आप सुनो खाली, इसलिए बीच बीच में मेरे को बोलना पड़ता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हो ना? समझ में तो आ रहा है ना? हो सर। हाँ, मैं वही बोला, जितने वाइट कर्मों के लिए आपको शक्ति लगेगी, उससे कम शक्ति अच्छे कर्मों के लिए लगती है। कम शक्ति, कम ही लगती है उसमें, है ना? मार्केट में बहुत सारी चीजें जो हम जैसे को पागल बना देती है, वो बात भी हमें समझ में होगी। आपका ब्रेन एक जगह पे रखे वो चीजें समझो, कौन सी चीजें ऐसी है जो हमारे को पागल बनाती है या तो हमको कमजोर बनाती है। एक फुकट का पैसा नहीं होना, फुकट का पैसा जितने भी वजह से मिलता है वो आपकी मेहनत को कम कर देता है। अगर तुम गोल को सक्सेस करना चाहते हो, बिना मेहनत का नहीं होगा, समझ रहे हो? तो फुकट का पैसा नहीं होना। फुकट का पैसा कहां से मिलता है? सट्टा सट्टा बाजार से, सट्टा बाजार से फुकट का पैसा जम जाता है। लॉटरी है कि नहीं, ऑनलाइन गेम पत्ते, ऑनलाइन गेम बहुत सारे, वो चीज उससे हमेशा दूर रहो। जो बिना मेहनत का और बहुत जल्दी पैसा मिलेगा उससे हमेशा दूर रहो, क्योंकि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है बॉस। जिंदगी में अगर शॉर्टकट होता तो भगवान हमें 100 साल की उम्र नहीं देता, क्योंकि ऐसे कमाने वाले इंसान को बोलता भगवान एक काम कर, 2 साल दिए, 2 साल में 2 करोड़ कमा के दिखा, चल तीसरे साल में तेरे को ऊपर बुला लूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेहनत करने वालों को भी उतने ही साथ, बिना मेहनत वालों को भी उतने ही साथ। भगवान हाल कर करके मारता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये चीज है, मतलब शॉर्टकट जिंदगी में नहीं है। तो वैसे हमें करोड़पति बनने के लिए शॉर्टकट नहीं चाहिए। कोई शॉर्टकट तुमको करोड़पति नहीं भी नहीं, 2 नंबर के काम नहीं करने। 2 नंबर, मैं तेरी बत्ती इधर से इधर कर दूंगा, 50,000 रख, 1,00,000 रख, ये टेबल पे देना है, वो टेबल पे देना है, भगवान तुमको माफ नहीं करेगा, वो शॉर्टकट नहीं चाहिए। वसीलाबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी वसीलाबाजी जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ा नहीं सकती है। तुम आमदार खासदार बहुत बड़े बड़े लोग हैं तुम्हारे पास, तुम उनके इससे नौकरी को तो लग जाओगे, लेकिन बम कुछ पाड़ोगे नहीं, क्योंकि वसीले से है ना। वसीले से अगर होगी चीज तो तुमकी उसको कीमत नहीं होगी। समझ रहे होंगे सब लोग? हाँ, इधर ध्यान। जब तक आपकी मुंडी मेरी तरफ नहीं रहेगी ना, मैं बात ही नहीं करूंगा। मेरे को ऐसा लगता नहीं फिर आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हाँ, तो 2 नंबर वाले धंधे नहीं चाहिए, बिना मेहनत वाले नहीं चाहिए, शॉर्टकट वाले नहीं चाहिए। तो बसता क्या है? मेहनत, मेहनत करने के बाद ही, जो मेहनत कर रहे हो ना उसी के अंदर दिमाग चलाना है, बाकी कुछ नहीं करना। मेहनत तो उतने ही करोगे, लेकिन दिमाग चला के करोगे ना तो बहुत अलग प्रकार से हो जाती। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि आप ही मेरे पास पहले 10 पेशेंट थे। बोलता हूँ शुरुआत कैसे, एक पेशेंट से शुरुआत हुई मेरी। एक पेशेंट जिस दिन रिहैब खोला उसी दिन था पहला पेशेंट। एक पेशेंट से शुरुआत हुई, 30 दिन में 30 पेशेंट थे, ऐसी शुरुआत हुई। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपको पता है कितना है आप। तो ये मेहनत से ही होता है, शॉर्टकट से नहीं होता है। चलो, तो ये जो चीज है आपको बिना मेहनत के आप बढ़ ही नहीं सकते आगे, है ना? हमें मेहनत करना ही, लेकिन सच्ची करना है, प्रामाणिकता से करना है। किसी का गला भी नहीं दबाना है और किसी के ऊपर चढ़ के भी नहीं जाना है। ये अगर सच्चाई तुम्हारे पास होगी तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि ठीक है मेहनत करना है, मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को कुछ करना है। घर पे जाने के बाद में पापा को बोलते 2,50,000 या तो 2,10,000 दो, मेरे को बिजनेस डालना है। जिस दिन ऐसा करोगे ना बॉस, ब्याज का पैसा उठा के धंधा करोगे, ब्याज का पैसा उठा के काम करोगे, चाहे बैंक से लो चाहे दोस्तों से लो किसी से भी लो, ब्याज का है, पहले से ही डूबे हो। जिस दिन तुम लोगे उसी दिन तुम डूब गए। ये बात समझना पहली बात, जो तुमने एक एक रुपए कमा के जो भी कमाया है ना उसमें से सब कुछ खड़ा करो। आप बोलोगे सर
कैसे खड़ा होगा जल्दी से? होता है, इतना बड़ा खड़ा कर लिया हम लोग, इतना बड़ा खड़ा कर लिया वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितना खर्चा लगता है आपको भी पता है, इतना बड़ा खड़ा कर लिया हम लोगों ने, ऐसे ही किया है। किसी के पास पैसे नहीं मांगे कि तू पैसा दे मेरे को 50,000, तू दे 1,00,000, तू दे 2,00,000। जो हमने, मैंने जो 17, 16, 15 साल की जो मेहनत थी, वो मेहनत के पैसे रिहाब में डाले। राकेश सर ने 4-5 साल की जो मेहनत थी उसके पैसे रिहाब में डाले। निलेश ने उसके पैसे रिहाब में डाले। हमने किसी से पैसा नहीं उठाया, एक एक चीज लाई थी, एक एक चीज आज भी हमको याद है। पहली बार जब रिहाब चालू किया, एक गाड़ी नहीं थी, 5 गाड़ी पहली बार लेके आए। सरोटा लाया, चंदा लाया, बगुने लाया, एक एक चीज जैसे जैसे पेंशन आते गए वैसे वैसे बढ़ाते गए। कई लोग सोचते हैं कि आप मेरे को बिजनेस करना है तो बड़ा ही करना है शुरुआत से। आप दोगे 10,00,000 दो, 15,00,000 दो, 5,00,000 दो, पापा के पास पैसा नहीं, सामने वाले से उठाओ, खेत गिरवी रख दो, ये कर दो। जिस दिन ऐसा करोगे उसी दिन तुम तुम्हारे बिजनेस में डूब जाओगे, मर जाओगे। आगे नहीं बोलो, आपको उसमें से कैसे बाहर निकलना है वो नहीं पता होगा आपको, पता है ना वो बात? समझ गए होंगे महाभारत की बात, कौन था वो अभिमन्यु, क्या थी बात? माँ के पेट में हरदापुर ज्ञान सुना, माँ सो गई, कैसे निकलना वो पता, चक्रव्यूह में घुस तो गया, चक्रव्यूह तोड़ना मालूम था, निकलना नहीं, खत्म होना पड़ा, मर गया। जब तुम एक एक मेहनत से एक एक रुपए जमा करोगे और उसका कुछ बिजनेस डालोगे, एक एक रुपए की कीमत तुमको रहेगी। सिंधियों में शायद कहते, मेरे को किसी सिंधी ने बोला था ये बात, भले तुम्हारे दिन भर कोई कस्टमर ना आने दो, लेकिन तुम्हारा काम एक ही है, दिन भर कुर्सी गर्म करना। हम जैसे लोग क्या सोचते हैं, अब कोई नहीं आया, बंद कर लेता हूँ, 2 घंटे के बाद आता हूँ। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, अब कोई नहीं आया है, दोपहर का समय है, दुकान बंद कर लेता हूँ, 2-3 बजे आऊंगा, 4 बजे आऊंगा, तब कस्टमर आएंगे, जब कस्टमर आएंगे तब मैं आऊंगा। ये बात कैसी है? जब मुझे प्यास लगेगी तब मैं कुआं खोदूंगा, कुआं खोदते खोदते ही मर जाएगा, प्यास बुझेगी। जब कस्टमर आएगा तब तो दुकान खोलेगा, तेरे दुकान पे कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो उनकी कहावत है ये, चाहे आए ना आए तेरा काम है कुर्सी गर्म करते रहना, चाहे दुनिया में मुझे मिले ना मिले मेरा काम क्या है, मेहनत करते रहना। हम जो अपेक्षाएं बढ़ते हैं ना कि ये मिलेगा तो मेहनत करूंगा, वो मिलेगा तो मेहनत करूंगा, मेहनत मैं फालतू में मेहनत क्यों करूं अगर मेरे को मिलना नहीं है तो, ये सोचते नहीं नहीं, मेहनत करना मेरा काम है, चाहे मिले ना मिले। जिस दिन मिल जाएगा तुमको भी नहीं समझेगा कि कैसे मिलेगा ये चीज। तो गोल इस तरह आपको सेट करना होगा, तब जाके आपको आप सब चीजें मिल सकती है। अच्छी जिंदगी आपका अधिकार है, जो आपने जीना चाहिए वो सब तुमको मिल जाएगी। वरना अगर तुम इसी नशे के पीछे भागते रहो ना, कुछ नहीं मिलेगी, जो है वो भी बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए तो कई लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। आज देखो बाहर जाने के बाद में ये मालूम पड़ता है, हर कोई आदमी अपने बड़प्पन दिखाते रहता है, मेरे पास क्या है, मेरे खानदानी खेती है, बाड़ी है, ये है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, नासिक में कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है? नासिक में मैं पूरा जीरो, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन जिनके पास होने के बावजूद उनके चेहरे पे जो मुस्कान नहीं है वो मेरे ऊपर है, मेरे पास है, ना मेरी खेती बाड़ी है, ना कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे कपड़ों में आया था, आज अगर कपड़े भर के जाना पड़ा तो मेरे को कितनी गाड़ियां लगेंगी आप भी पता कर लो। आज अगर ये भर के जाना पड़ेगा तो कितना ट्रक लगेगा? ये साम्राज्य मैंने यहाँ पे खड़ा किया, मैं हूँ, मेरे साथ वाले सब है, मैं अकेला नहीं, सब सबकी मेहनत है इसमें। लेकिन ये बहुत शिद्दत के बाद में हुआ है, समझ रहे हो? ना थको ना रुको। जब आदमी कोई काम करता और जब प्रसन्नता होता है ना उसके अंदर, वो जिंदगी में कभी थकता नहीं, उसको नींद की गोली देने की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत। मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ जल्दी आता हूँ, अगर समझो बुखार आ गया, अगर कुछ भी हो गया,
जिस दिन मैं 10:30 बजे आता हूँ ना, मैं जिस दिन बीमार पड़ता हूँ मैं 10 बजे से ही याद कर मेरे भाई बोलते रुक जाओ काय को इतना मेहनत करते है, काय को भाग दौड़ करते है, चोर मेरा बुखार वहां पे ही जाएगा बुखार। सही बात है कि आप बीमार पड़ते हो कहां पे आते हो और मैं बीमार पड़ता हूँ घर पे क्यों रहूं। कई बार हमारे सब जी लोग जो है ना यहाँ के कर्मचारी वो बताते हैं मैं बुखार आया बीमार हूँ मैं घर पे रहता हूँ। अरे बुखार आने के बाद में बीमार गिरने के बाद में लोग यहाँ पे आते घर पे क्यों आते है। जहां से तुमको ऊर्जा मिलती वहां पे जाओ ना, भगवान के पास सुख शांति मिलती है वहां पे बैठते हैं लोग और काम ही मेरा भगवान है, ये मेरा मंदिर है यहां पे भगवान है। अगर मैं ये मानता हूं कि काम ही मेरा भगवान है तो मुझे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। सच बोल रहा हूं कसम से बोल रहा हूं, 2-2.5 साल हो गए कोरोना से पहले तब से मैं मंदिर में गया हूं। रोज मेरी बीबी मेरे को गाली देती, कभी एक बार दो भगवान को, हर घर में मंदिर होता है एक बार तो आरती चला एक बार तो वो दीवार जला कभी नमन करो। मैं उसी को रोज बोलता हूँ मेरे सामने रोज देव जो भगवान रहती, मैं जीते जाते भगवानों की सेवा करता हूँ। क्या जरूरत है तू पकड़ उपवास, हफ्ते में 3 उपवास रहते उसके, ये उपवास वो उपवास चले देते मेरे सामने रोज देव जो भगवान है, कन कन में बसा भगवान, हम में भी भगवान जो काम कर रहा उसी को मैं सेवा मानता हूँ, उसी को कर्म मानता हूँ, उसी को काम मानता हूँ। तो मुझे भगवान की बात जानने की जरूरत क्या है। और जो मेरे सामने बैठे हुए भगवान मैं हमेशा खुली आँख से ही बात करता हूँ, मैं बंद करके कर सकता हूँ कि आपसे बात, मेरी आँखें बंद है काय कसे है चलते चिड़का रहा है चाले काय पाप पन्नी आपल्याकडे काय बोलते है जैसे है। तो पहले पॉइंट पे आ जाइए, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, प्रार्थना से। प्रार्थना में किससे हुई, आग बंद करके प्रार्थना की, इसकी वजह से। तो अभी अगर कॉन्सेंट्रेशन भी करना है तो आग खुली रख के कीजिए, हर गली में एक जन आता है रात को क्या बोलता है पता है, अब तुम ऐसे सोचते रहे भगवान क्या होगा, वो बेचारा रात भर बोल रहा है जागते रहो और तुम सोए हुए हो, तुम्हारी आंखें भी खुली फिर भी सोए हुए हो, ऐसी जिंदगी से करना क्या है। तो ठीक है मैं खत्म कर लो अभी।